हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मेरे चैनल पर। तो दोस्तों, आ गए हैं हम अपने काम करने वाले साइट पे। तो जैसे कि मेरे पीछे देख रहे हैं, ये विंडो आपने कल बनाया था तो पूरा कंप्लीट कर नहीं पाया। अभी और थोड़ा सा देखिए, उस तरफ चार पीस और बाकी रह गया है। तो अभी चलिए उसी पल्ला को जो है फिटिंग करते हैं फटाफट से। तो चलिए हम आपको फ्रेंड्स, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये देखिए, ये 5 फीट का विंडो का पल्ला है। तो ये फ्रेम तो हमने होल्ड करके रखा हुआ है, देखिए इसको अभी फिटिंग करने का काम जो बाकी रह गया है। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर हमने जो कल फिटिंग करके ये रखा हुआ था, तो इस तरह से हमने यहाँ पर रख दिया था। और इस तरह देखिए, ये तो हमने यहाँ पर 4 पीस तो फिटिंग कर लिया है। अब 4 पीस फिटिंग कर लिया, लेकिन 4 पीस बाकी रह गया है। तो बाकी तो सब हमने ये तैयार करके रखा हुआ है। तो चलिए फिटिंग कर लेते हैं इसको फटाफट। तो दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, देखिए हम जो है विंडो पल्ला को जो है फ्रेम में फिटिंग करने के लिए तैयार कर रहा है कुछ इस तरह से, देखिए। तो हमने इसका साइज में कटिंग करके रखा हुआ था पहले से। तो अब इसको हम सिर्फ हम यहाँ पर फ्रेम पर इसके फिटिंग कर दें कुछ इस तरीके से। तो हथौड़ों के बल से मार के यहाँ पर जो हम सेट कर लेंगे। तो दोस्तों, ये देखिए हो गया, इसका एक साइड में सेटिंग हो गया है। अब इसको पलट के अभी इसके दूसरे फ्रेम में भी लगा देंगे कुछ इस तरह से, देखिए। तो दोस्तों, इसी तरह से मार्कर से हटोरा से मार के इसको यहाँ पर फिट कर लेने वाला है। तो दोस्तों, ये देखिए हमारा विंडो का पल्ला 1 पीस तैयार हो गया कुछ इस तरीके से, देखिए। तो चलिए अभी दूसरा पीस भी कर लेते हैं फटाफट से। तो दोस्तों, ये देखिए हमने ये दूसरा पीस भी ले लिया है। और दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो ज़रा सा भी पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आप लोगों को मिलती रहे। तो दोस्तों, बने रहना वीडियो के एंड तक। तो दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, देखिए हमने दूसरा वाला विंडो का पल्ला भी जो है वो हमने फिटिंग कर दिया, ये देखिए कुछ इस तरह से। तो दोस्तों, हमारा विंडो का पल्ला 4 पीस है अभी फिटिंग करने के लिए। तो 4 पीस में हमने 2 पीस ये देखिए कर लिया है, अभी और 2 पीस बाकी है। तो हम सारे जितने पल्ले सारे फिटिंग करके कम्प्लीट करने वाले हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, देखिए हमने विंडो का पल्ला जो है 4 पल्ला जो बाकी रह गया, तो हमने 4 पल्ला भी फिटिंग करके हो गया है कंप्लीट। और अब इस तरफ देखिए, यहाँ पर ये देखिए हमने ये जो कल फिटिंग करके रखा हुआ था, ये 4 पल्ला विंडो का जो है 4 पल्ला हमने यहाँ पर फिटिंग करके रखा हुआ था। और उस तरफ अंदर में देखिए, वो अंदर भी हमने पहले फिटिंग करके रखा हुआ, वो 4 फीट का विंडो है और ये वाला 5 फीट का विंडो पल्ला है। और यहाँ पर जो अभी देखिए, यहाँ पर कील मारना पड़ेगा, यहाँ पर लकड़ी का कील जो होता है वो मारेंगे, यहाँ पर लोहे का कील भी मारने के लिए नहीं होगा, क्योंकि प्रॉब्लम हो जाएगी अगर लोहे का कील मारेंगे। तो यहाँ पर फिर हम इस पर लकड़ी का कील ही बनाकर मारने वाले हैं। तो चलिए लकड़ी कील कैसे बनाते हैं वो आप लोगों को दिखाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं, देखिए हमने ये लकड़ी का टुकड़ा हमने ले लिया है कुछ इस तरह से, हमने कटिंग करके रख लिया, ये 2.5 इंची का टुकड़ा है। तो इसको हम जो है छोटे छोटे पीस में और कटिंग करने पड़ेगा इसको। तो हमने सिर्फ इसको अभी टुकड़ा करके रखा हुआ है इसको, तो इसको फिर इसमें बीच में से हम यहाँ पर छोटे छोटे पीस करके कटिंग करेंगे, फिर उसके बाद जो है इसको कील बनाने का काम शुरू करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर आप जैसे देख पा रहे हैं, देखिए हमने ये पहले तो एक रखा हुआ, इसको कटिंग नहीं किया, और यहाँ पर हमने ये देखिए कटिंग करके रख लिया छोटे छोटे पीस में, देखिए कुछ इस तरीके से। और इस तरफ ये हमने कटिंग करने का काम बाकी रह गया, अभी हम ये जो है इतना ही कील बनाएंगे और बाकी वो बाद में हम बनाएंगे। तो दोस्तों, अभी चलिए इसको हम जो है कील बनाना शुरू करते हैं, और आप लोग भी देखिए लकड़ी की कील बनाता है कैसे है। तो इसी जगह पर हम कील को कटिंग करके बनाने वाले हैं, ये देखिए यहाँ पर कुछ इस तरह से रख कर जो है कटिंग करेंगे। तो दोस्तों, ये देखिए हमने 1 पीस ले लिया है, तो देखिए कुछ इस तरह से कटिंग करने पड़ेगा, ये देखिए इस तरह से, ये देखिए हमने इस तरह से कटिंग करके जो है पलट पलट के जो है कटिंग करना पड़ेगा। तो एक तरफ जो है थोड़ा सा छोटा, एक साइड बड़ा करना पड़ेगा, ये देखिए कुछ इस तरह से कटिंग करके हो गया है एक किल। तो चलिए अभी दूसरा भी कटिंग करके दिखाते हैं। तो दोस्तों, ये देखिए इस तरह से रख के कुछ इस तरह से कटिंग करना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये हमारा कटिंग करने वाला बाटली जो है उसको हमने अच्छी तरह से धार कर लिया, इसके वजह से देखिए कितना आसानी से कटिंग हो रहा है। तो इसी तरह से हम किल जो है सारे के सारे किल कटिंग करके कंप्लीट करने वाले हैं। तो दोस्तों, विंडो का पल्ला में जो किल मारते हैं वो लकड़ी का ही किल मारना पड़ता है, क्योंकि लोहे का किल मारने पर वहाँ पर प्रॉब्लम हो जाएगा हम लोगों को। तो लोहे का किल मारने से तो थोड़ा मजबूत भी नहीं होने वाला है, क्योंकि लकड़ी का किल मारने से थोड़ा सा मजबूत होगा, ये लकड़ी किल लगाएंगे तो वो थोड़ा सा टाइट से पकड़ेगा, और लोहे का किल मारेंगे तो हम लोग को फिटिंग करने के लिए भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, कहीं काटना पड़ जाता तो किल पर लग जाएगा। तो इसलिए हम लकड़ी की किल ही मारने वाले हैं। तो लकड़ी की किल मारने से पूरा टाइट फिटिंग हो जाता है। तो दोस्तों, ये देखिए हमने लकड़ी की किल जो है 2 पीस बनाकर तो रेडी कर लिया है, और अभी
ये तीसरा रनिंग हो रहा है। तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोगों को मेरा लकड़ी का किल बनाने का तरीका कैसा रहा, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो दोस्तों ये देखिए तीन पीस तो हमने बनाकर रेडी कर लिया, अभी चलिए फटाफट से और भी सारे बनाकर किल जो है बनाकर कंप्लीट करने वाले हैं। तो दोस्तों बने रहना वीडियो के अंत तक, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो ये देखिए कुछ इस तरह से कटिंग कर रहा हूँ मैं, बहुत ही आसान है दोस्तों इस तरह से किल बनाने के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होता हमें, हम लोग तो इसे रोज़ बनाते रहता हूँ ना, तो इसलिए वजह हम लोग को बहुत ही आसानी हो जाता है बनाने के लिए। तो ये देखिए हमने चार पीस बनाकर कर दिया है कंप्लीट, तो कुछ इस तरह से बन रहा है किल हमारा। तो दोस्तों जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये देखिए हमने लकड़ी का किल जो है बनाकर पूरी तरह से कर दिया है कंप्लीट। तो कुछ इस तरह से हो गया है बनाकर हमारा लकड़ी का किल जो है। तो दोस्तों आप लोगों को इस लकड़ी का किल कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर देना, और दोस्तों चैनल में नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आप लोगों को मिलती रहे। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।